कि आपके ससुराल में भी आपकी एक नहीं चलती, कहने का ये घर आपका है परंतु इस घर में नौकरानी बना कर रखा गया है आपको। आरती उतार कर इस घर में लक्ष्मी कहकर आपको प्रवेश करवाया गया था। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम करती हो तुम, सिर्फ दूसरों की सेवा करती हो तुम। ना पहनने को अच्छा मिलता है, ना खाने को अच्छा मिलता है, ना शब्द अच्छे मिलते हैं, अपमानित किया जाता है तुम्हें। बात बात पर तुम गरीब घर से आई हो, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया, तुम्हारा चेहरा कितना खराब है, तुम्हारी आवाज़ कितनी खराब है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है, अपने मायके जाओ लेकर आओ। तुम्हें हमेशा ये बताया जाता है कि तुम पराए घर से आई हो और कभी भी तुम्हें पराया घर भेज दिया जाएगा। इस घर पर तुम अधिकार मत जमाना, ये घर तुम्हारा नहीं है। सबकी बातों का बुरा नहीं मानती तुम, परंतु जिस जीवन साथी का हाथ थामा था तुमने, जिसे सर्वस्व सौंप दिया था तुमने, जिसे तुमने अपने जीवन का सार माना था, जब वो अपशब्द कहता है तुमसे तो तुम्हें बड़ा अजीब लगता है कि जब तुम ही नहीं हो मेरे तो फिर ससुराल में और किसी से क्या उम्मीद करूं। अपने भाई बहनों से, माता पिता से फोन पर बातें करती हूँ तो छुप कर लोग सुनते हैं, रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। मुझे मैसेजेस में लिख रही है मेरी बहनें कि मेरे फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया जाता है और मैं अपने मायके जो बातें करती हूँ वो बातें सुनते हैं ये लोग, कि कहीं मुझे कोई भड़का तो नहीं रहा, कहीं मैं यहाँ की शिकायत तो नहीं कर रही। इतना तक विश्वास नहीं करते मुझ पर तो मैं इस ससुराल में कैसे रहूं? अजीब विडंबना है। अब ये तुम्हारे घर की बहू है, ये तुम्हारी पत्नी है, यही मालकिन होने वाली है आगे भविष्य में, यही लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, ये शुक्र का स्थान है, तुम्हारी तरक्की का कारण है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इससे सम्मान बढ़ाते जाओ। अद्भुत बात है, ये सिसक रही है, रो रही है, तुम्हारे घर में तड़प रही है, तुम्हारी समृद्धि कभी नहीं हो सकती। इसे केवल अपनी पत्नी मत समझो, काम तो ये करती है, अपना घर समझकर काम करती है, सारे काम करती है, सबके लिए कुकिंग करती है, सुबह से रात तक सबके लिए एक पैर पर खड़ी रहती है, परंतु इसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। ये जहाँ रहेगी वहीं सफाई करेगी, वहीं खाना बनाएगी, वहीं कपड़े धोएगी, ये तो प्रवृत्ति है महिलाओं की। जिस जगह पर रहती है उस जगह को साफ सुथरा रखती है, सबके भोजन की व्यवस्था करती है, परंतु इसका गलत अर्थ ना लगाया जाए। यदि बात बात पर अपमानित किया जाता है तुम्हें, मायके क्यों नहीं चले जाते, तुम्हें दहेज में कुछ नहीं लाया, तुम किसी काम के नहीं, इस तरह के शब्द बार बार बोलकर तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, तुम्हारे मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाता, सभी कहीं जाते हैं तैयार होकर तुम्हें घर में छोड़ दिया जाता है घर देखने के लिए, तुम्हें यह कहा जाता है तुम कहाँ जाओगी, लोग तुम्हारे बारे में सवाल पूछेंगे, तुम देखने में अच्छी नहीं हो, तुम अमीर घर से नहीं हो इसीलिए तुम घर पे रहो, तुम लज्जित हो जाती हो, चुपचाप से शर्म से घर पे रहती हो। तुम्हारा पति दफ्तर से आता है, तुम्हारे साथ समय नहीं बिताता, माँ के साथ बैठकर घंटों बातें करता है, जब रात हो जाती है खाना खा लेता है, कमरे में सोने के लिए चला जाता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझसे भी तो अपने हृदय की बात शेयर करता, कोई मुझे भी अपना साथी मानता। तुम चाय लेकर सामने जाती हो तो कहता है यहाँ क्यों आई हो, जाकर कहीं और बैठ कर पियो, लो मेरी चाय दो, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे साथ समय नहीं बिताता, तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बार ये मेरे साथ थोड़ा समय बिताए मैं बात बना लूँगी, बात हो तभी तो बात बने, वो तुमसे बात करने से कतराता है। गुलामी क्या करेगा, तुम्हारे आगे पीछे क्या घूमेगा, तुम्हारे तुमसे प्यार क्या करेगा, तुम्हारा विश्वास क्या करेगा, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। अपने ऑफिस में काम कर रही सुंदर सुंदर महिलाओं की तारीफ करता है तुम्हारे सामने, तुलना करता है, वो इतने पैसे कमाती है, तुम्हारी तरह बेकार नहीं है, तुम करती ही क्या हो, सुबह से रात तक कमरे में सोई रहती हो, टीवी देखती हो, पैसे कैसे कमाए जाते हैं तुम्हें मालूम है क्या, इस तरह के शब्द कहकर तुम्हें नीचा दिखलाता है। बात बात पर कोई ससुराल से तुम्हें कुछ मांगने के लिए भेज देता है ताकि तुम अपमानित हो, तो कोई कहता है मायके चली जाओ मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, इस तरह के शब्द से जब जीवन परेशान हो जाए तुम्हारा, तब रोना नहीं है, जीवन साथी का त्याग नहीं करना है, पति नहीं बदलना है तुम्हें, रिश्ता नहीं बदलना है तुम्हें। तुम महिला हो, हर चीज़ को सुधार देती हो, संवार देती हो, घर में कोई भी चीज़ टूटती हो उसे जोड़ देती हो, कुछ भी गंदा होता है उसे साफ कर देती हो, तो चलो इस रिश्ते में पड़ी धूल को भी अब तुम साफ करोगी, जहाँ से टूट रहा है रिश्ता वहाँ फिर से जोड़ोगी, दो दिलों में जो दूरियाँ हो रही हैं उसे तुम पास लाओगी, और ये तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम नारी रूप में शक्ति हो। इस मकान को तुमने घर बनाया है, खुद को कमज़ोर मत समझो।
तुम सुपर पावर हो, तुम सुप्रीमो हो। इस बात को हमेशा याद रखना, तुम शुक्र हो अपने पति की। उसके चेहरे पर चमक, उसके पॉकेट की वो जो नोटों की गड्डी है वो तुम हो। बोलता है जो बोलने दो, सबको प्रसन्न करने के लिए तुम क्या करोगी। चलो ध्यान से आज बताती हूँ एक ऐसा उपाय, पति के साथ साथ पूरा ससुराल वाला तुम्हारे गुण गाएगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, सब रहेंगे तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपने खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर तक बना लिया हो तो फाड़ कर फेंकेगा। छोटा सा वशीकरण बताने जा रही हूँ, एक जादू सिखाने जा रही हूँ। इससे आप अपने पति को, अपने ससुराल वालों को, सबको अपने पीछे पीछे घुमा सकती हैं, अपने उंगली पर नचा सकती हैं। शनिवार के दिन थोड़ा सा सौंफ अपने जिह्वा पर रख लेना, थोड़ा सा सौंफ, मुंह बंद कर लेना, 5 मिनट तक मुंह बंद रखना। एक काला कपड़ा लेना छोटा सा पोटली बनाने के लिए, इसमें 11 दाने काली मिर्च के डाल देना, 11 लौंग डाल देना और 3 हरी इलायची डाल देना। 5-7 मिनट 10 मिनट हो जाए, तुम्हारे मुंह की गर्मी जो है सौंफ में आ जाए, सूखी सूखी से सौंफ निकाल कर इस कपड़े में डाल देना, बांध देना इसे। मानवई 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 मानवई, इस मंत्र का निरंतर 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट तक जप करना। पोटली को हाथ में लेकर पोटली को अच्छे से बांधना, खुल ना जाए, इसकी सामग्री बाहर गिर ना जाए। आज प्रथम दिन शनिवार के दिन तुम्हारे दाहिने पैर के नीचे ये पोटली रहेगी, यानी गद्दे के नीचे रहेगी जिधर तुम पांव पसारते हो। दूसरे दिन रविवार के दिन तुम्हारे दाहिने हाथ की ओर रहेगी। तीसरे दिन सोमवार के दिन तुम्हारे मस्तक के नीचे रहेगी, सब गद्दे के नीचे रहेगी। चौथे दिन तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ रहेगी और पांचवें दिन तुम्हारे बाएं पैर की तरफ रहेगी। ये 5 दिन ये पोटली तुम जहां सोओगी चारों तरफ घूमेगी। छठे दिन इस पोटली को ले जाकर किसी धधकती हुई जलती हुई अग्नि में डाल देना, देखो तुम्हारा क्या प्रभाव चलता है। कहते ना मोहिनी है ये, जब से आई है सबको मोह ली है, जहाँ जाती है सबको मोह लेती है, तुम मोहिनी बन जाओगी। तुम्हारा पति तुम्हारे चक्कर काटेगा, जैसे लव मैरिज में कैसे दीवानों की तरह घूमता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। ससुराल वाले तुम्हारे बोली बोलेंगे, सब रहेंगे तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।